हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं ये बटन मशरूम का फ्राई बनाऊंगी प्याज के साथ। ये 400 ग्राम लिया है मैंने। पहले इसे 3-4 बार अच्छी तरह से धोएंगे। इसमें मिट्टी जैसा कुछ लगा रहता है। अब ये मशरूम को काट कर हल्दी के पानी में डालते हैं। अब इसमें लगेगा ये 5 प्याज। इसे पहले काट लेती हूँ। अब प्याज को काट लेते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है मशरूम करी का, मशरूम मसाला करी है। पहले वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी बोलने में और काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। मिर्च को थोड़ा सा बीच में से काट लेते हैं। मशरूम को पहले पानी से छान कर इसे निचोड़ लेते हैं। अभी मशरूम को पानी से निचोड़ लिया है। मशरूम को फ्राई करने के लिए मैंने मसाला लिया है, ये काली मिर्च, हल्दी, अदरक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन, नमक स्वाद के अनुसार, और ये गरम मसाला पाउडर, और ये सब्जी मसाला पाउडर, और जीरा, धनिया का पत्ता, टमाटर, 4 कटी हुई प्याज, 4 हरी मिर्च, और ये लाल मिर्च का पाउडर, और ये सरसों और तेल दिया है मैंने। अब कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें डालते हैं तेल। पहले मशरूम को फ्राई कर लेंगे, इसकी पानी निकल जाएगा। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें डालते हैं मशरूम को। अब देखिए मशरूम में कितना सारा पानी आया है। इस पानी को सूखने देंगे। गैस को हाई फ्लेम करके इसे पकाना चाहिए। अब देखिए इसका पानी सूख रहा है और थोड़ा सा भून लेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब इसमें डालते हैं तेल, कढ़ाई गर्म हो चुका है।
5 चम्मच तेल डाला है। अब कढ़ाई का तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं ये सरसों, जीरा, लहसुन भी एक साथ डाल देते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, कलर चेंज होने पर इसमें डालेंगे टमाटर। अब इसमें डालते हैं ये टमाटर, हल्दी, अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच नमक। मशरूम में मैंने नमक नहीं डाला था इसलिए एक साथ ही डाल रही हूँ। ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और ये काली मिर्च। इस सब्जी को आप चावल या रोटी में खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, आप आपकी कीमती वक्त देकर मेरे वीडियो देखते हैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही देखते रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब वीडियो डालूं तब आप तक पहुंचे। अब ये मशरूम को डालते हैं। दो तीन मिनट तक मैंने ऐसे ही मिला। अब इसमें डालते हैं ये सब्जी मसाला और ये गरम मसाला, पहले इसे मिला लेते हैं। अब इसमें ये धनिया का पत्ता डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब ये रेडी हो चुका है प्याज मशरूम फ्राई। ऐसे ही आप घर पर बनाएं और खाएं और कमेंट में लिखिए कैसे लग रहा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहती हूँ, नमस्ते।